हाँ जी आंटी, सत श्री अकाल। आंटी सत श्री अकाल पुत, पहले चाह पीनी है कि रोटी खानी है? चाह बना लो। बना दिनी आ, चाह पी के ना फिर थोड़ा घर का काम कर लियो। है ठीक है पुत, मैं कर लांगी सारा काम। ठीक है। ये माता दे भांडे ना मैनू लग ही रखने पैने ने, किते कोई बीमारी ना होए। यही दे दिनी आ कप नाल, और भांडे कड के रख दिनी आ। इदां ही करती आ। लो आंटी चाह। मैं ना तुहाडे भांडे अलग कर दिनी आ, तो उहदे विच ही अपना रोटी पानी जो खाना होए तो उहदे च ही खाना। ठीक है। तो इस कमरे च बैड लगा होया तो उहदे ते मैं तुहानूं बिस्तरा लगा दिनी आ, तो वह बिस्तरा तुहाडा, फिर यह कमरा भी तुहाडा। ठीक है। ठीक है पुत। चाह पी लो हुण ते फिर यह काम कर लियो सारा। शुक्र है रब दा, तुसीं मैनूं रहण वास्ते छत दे दित्ती। कम ते उहनां दे वी मैं सारे ही करदी सी, तुहाडे वी करांगी कम। ते मैं कम करदे बंदा नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। चल आपे करेगी हुण सारे काम। मैं ते टेंशन फ्री होके बहुआं, बेलियां थोड़ी खवानियां। चल देखा ते सही काम किद्दां दा करदी है। हाय हाय आंटी, तुसीं गीजर क्यों चलाया? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਟੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਂਜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ। ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ जी आंटी। हाँ जी। बेले बैठे हो नाले, संध्या वेले की रोना धोना पाया तुसी? मैं ना हुनर नू होमवर्क करवा ला ते तुसी ओदी यूनिफॉर्म धो दो। धो दांगे पुत, पर मैं इस टाइम नहीं धो सकती, मेरे गोड्यां च बड़ी दर्द निकली है। मैं सवेरे उठ के पहला हुनर दी यूनिफॉर्म ही धोवांगी।
आंटी सवेरे ते उन्हें स्कूल पा के जाना है, ते हुण धो दो तुसी, हुण केड़ा कोई काम कर रहे हो, वेले ही ते बैठे हो। ठीक है पुत, धो दिंदे। चंगा धो दो फिर। पुत धोती मैं यूनिफॉर्म, कोई रजाई बिस्तरा दे दे, मैनू बड़ी ठंड लग रही है, जे को पुरानी स्वेटर कोटी पिया भी दे दे। दे दिनी आंटी। लो आंटी। चंगा पुत, शुक्र है तेरा। ठीक लिख ले छेती। मम्मा वैसे तेरी दादी को आज कितना काम करवाया। ओए की दादी दादी लगाई है तू, जिन्ना दी ओ दादी सी ना ओना ने ओनू छड़ता है, साड़ी ओ काम वाली है, तेरी दादी नहीं है। ठीक है, तेरा प्यो ते पागल है ते मैं पागल थोड़ी हाँ। चल तू अपना काम लिख। माता जी ने नहीं चाह दित्ती तू? चाह की पूछनी सी, माता ते अजे सुत्ती पई है, उठे ही नहीं। चल सो लांदे, बजुर्ग ने ना, मैं ना जाना माता जी दा हाल चाल पुछदा, नाले गलबात करदा। राती मैं लेट आया सी, मैं तां करके चलो सो लैन दो, हुण जाना। चलो तुसी माता दा हाल चाल पुछ लो, एनी देर मैं भी सब्जी लैके आवां, फिर नाश्ता रेडी करां। चल माता जी। माता जी तुम तो बुखार ही बड़ा तेज है माता जी, तुहाडा पिंडा बड़ा भख रहा, और की तुसी पतला जिहा कंबल लैके पे हो, तुहानू रजाई नहीं दित्ती सोनी ने? नहीं मैं आपे ही कंबल लिया। ओह चलो उठो, मैं तुहानू डॉक्टर को दवाई दवा के लियावां। नहीं मैं दवाई नहीं लैनी, जे कोई दर्दां वाली गोली पई है घर ही दे दे, मैनूं आराम लग जाएगा दे नाल। चलो माता जी कोई गल नहीं, मैं ना डॉक्टर नूं इत्थे बुला के लियाना। नहीं डॉक्टर नूं नहीं बुलाना, मैं ठीक हाँ। कोई चाह पानी लियावां? कोई नहीं, चाह मैं आपे पी लांगी थोड़ी देर नूं। चलो तुसीं आराम करो, मैं वेखदा की करना। पुत तू क्यों इत्थे खड़ा है, की गल की होया सी? पापा तुहानू पता चढ़िया कल नवे दादी आए ने, एने बीमार क्यों हो गए ने? क्यों होए ने? क्योंकि मम्मी ने कल सारा काम दादी को लो करवाया सी, आज मैं स्कूल नहीं जाना सी, तां भी मम्मी ने दादी को लो ठंडे पानी में यूनिफॉर्म तलवाई सी। अच्छा पापा एक गल होर दसा, जद मैं मम्मा नु बोलिया ना कि तुसी दादी नाल एदा क्यों कर रहे हो, ते मम्मी बोलदे कोई तेरी दादी दूदी नहीं है, ए साडी नौकरानी है, जिन्ना दी ए दादी सी उन्ना ने कढ़ता है। ते पापा ए गल सच है? बेटा एदा दी कोई गल नहीं है, वो तेरी दादी ने, ते बाकी मैं मम्मा नाल गल करदा, हुण घर आंदी है फिर करांगा गल। प्लीज मम्मा सामने मेरा नाम ना लियो, नहीं तो मम्मा मैनू बहुत मारनगे। नहीं बेटा मैं तेरा नाम नहीं लैंदा, तू हुण उठ के अंदर जा, मम्मा आई मैं अपने आप गल कर लूंगा। चल ठीक है। यार किन्नी घटिया सोच है, की हो गया इहनू यार, जे इहदे नाल मैं लड़के गल कीती जां गुस्से च इहनू कुछ किया
तेने बिल्कुल नहीं मनी और जिद करनी है। घर वालों दे इनू प्यार नाल ही समझाना, शायद ता ही मनेगी। ऐदा क्यों कर रही है? एक मजबूर इंसान दी मजबूरी का नजायज फायदा क्यों चक रही है? जे मान लै ये माता की थान तेरी माँ इदा होंगी तू वो भी यही कुछ करना सी, जे मेरी सक्की माँ होंगी तू वो भी यही कुछ करना सी, जे बीमार हुई है ना वो तेरे करके हुई है। जे मेरी सास होंगी तो मैं उन्होंने इदा घरों बहर क्ढना सी, ते नाले गल कर दे मेरी माँ दी ते मेरा भरा इन्ना बदतमीज नहीं है कि अपनी माँ नू घरों बहर कढ़ दे। सोनी मैं ना तेनू प्यार नाल समझाना चाहना, मैं तेरी माँ या अपनी माँ दी नहीं गल कर रहा, मैं गल कर रहा एक मजबूर इंसान दी, उहदी मजबूरी का नजायज फायदा ना चक, ठीक है? उन्हू जे मार पई है ढिड दे जम्मिआं ने उन्हू घरों कढ़ता ते की इंसानियत मर गई है दुनिया के अंदर, असी नहीं उन्हें अपनी माँ बना सकते, ठीक है? उन्हें मैंने ढिडो जन्म नहीं दिता। पर तू अपने भरा की गल करनी है, भरा तो तेरा मान लिया चल नहीं कढ़ेगा माँ, तो जे तेरी भरजाई कढ़ दे। सोनी देख जे महाराज ने मेरी ड्यूटी लाई है उसकी सेवा करन दी तो तू मेरा साथ दे, शायद उन्हें साड़ी लोड़ सी ते मैनू उहदी लोड़ सी। तू एक एग्जाम्पल सैट कर सकती है कि एक बगानी माँ की सेवा करके देख अज हुनर देख रहा है, जे तू उहदी सेवा करेगी कल नूं हुनर रिटर्न च तेरी भी सेवा करेगा, वो देखेगा कि मेरी माँ ने एक बगानी माँ की सेवा की सी, उहदी हिम्मत नहीं पेगी तैनू घरों कढ़न दी या कुछ इहोजी गल करन दी। और जेडे इस माता दे पोते पोतियां ने उन्होंने अपने अखी देखे अपनी दादी नूं घरों बाहर निकलदे वो भी अपने माँ बाप नूं घरों बाहर ही कढ़नगे। सोनी एक मजबूर है, देख एक तो उहदे पुत्तां ने उहनूं घरों कढ़ता, दूसरा जे मैं उहदा सहारा बणिया तो तू उहदे कोल इदां कम कराएंगी, ठीक है? तो फिर वह कित्थे जाएगी? मतलब उहदे इन्ने माड़े करम हो गए ने, जे उन्हों मैं घर लैंदा उहदी सेवा कर सोनी, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पुन मिलेगा तैनूं, उन्हों इदा तपा ना, वह भी माँ है, ठीक है? उहदे पुत नूहां ने उन्हों धोखा दे दिता पर वह मेरे भरोसे ते मेरे घर आई सोनी, ऐ ना कर, ऐ तेरे अगे दो हाथ जोड़े। सॉरी टिम्मी, पहले तो वह जिन्हां की भी माँ सी पर अज तो वो साड़ी माँ है, मैं अगो तो यहोजा कुछ नहीं कर। सोनी मैं यही उम्मीद सी तेरे तो, चंगा लग्या मैं। हाँ जी, ये जड़ी तुसी वीडियो देखी है ये अज दे जमाने की सच्चाई है जो अज कल चल रहा है। जिद्दां ही माँ बाप बजुर्ग होंदे ने बच्चियां नूं बोझ लगन लग जांदे ने, कदी माँ बाप नूं ते बच्चे बोझ नहीं लगे, वृद्ध आश्रम खुल गए ने, एक खुले नहीं असी आप खुलवाए, कोई नहीं जिथे असी अपने माँ बाप नूं वृद्ध आश्रम च छड के आने आ उत्थे सानू भी अपनी तैयारी रखनी चाहीदी है कि असी भी तैयार रहिए उन्हां वृद्ध आश्रमां च जाण वास्ते, जिद्दां दा करांगे उद्दां दा पावांगे। बाद विच नूहां बदनाम हो जांदियां ने कि इन्हां दी नूह नहीं चंगी सी तां करके सस सोहरा वृद्ध आश्रम पहुंच गए, पर जिथे तक मैनू लगदा परसनली कि नूह की घट गलती ते पुत की ज्यादा गलती होंदी है जिहदे माँ बाप वृद्ध आश्रम च जांदे। मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा, कुछ एक लोग इदां कर रहे ने और बड़ी वड्डी तादाद ते वृद्ध आश्रम भरे हुए ने, उह किन्हां दे माँ बाप ने? ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ,
जो तुहानू असीं वीडियो च दिखांदे आ उह दिखाण दा मकसद इह हुंदा कि इदां समाज च चल रिहा इदां नहीं होणा चाहीदा। हुण इह वेखण वाले दे उत्ते डिपेंड करदा उस चीज़ नू किदां देखदा है। एडे एडे वड्डे सीरियल बणदे ने क्राइम पेट्रोल वर्गे, उह सिर्फ तुहानू इह चीज़ दिखांदे कि इदां जुर्म होया सी, क्राइम होया सी, ना कि उह तुहानू कहिंदे ने कि क्राइम इदां करो। बाकी कहिंदे ने जे जुल्म सहना पाप है, करना पाप है, ते देखना देख के चुप रहना उहदे तों वड्डा पाप है। जे तुहाडे आंढ गुआंढ च इदां दा कुछ हो रिहा उहदा खुल के विरोध करो, उहनूं रोको। बाकी आपां ते इदां ही मैसेज दिंदे रहांगे। सो मिलदे हां जी कल तुहानूं इक होर नवीं वीडियो दे नाल, इक होर नवीं कोशिश दे। हुण दिओ जी इजाजत, सत श्री अकाल।